Let us start for basic Ubuntu Linux command means what. First of all, we learn about what is a Ubuntu, and second one Linux, and last one what is a basic command. Basic Ubuntu Linux command ke inside session number 1. सबसे फर्स्ट मैं पूरे अपने सिस्टम के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाला हूँ. फर्स्ट सेक्शन के इनसाइड उबंटू अपने सिस्टम एक्चुअली है क्या. ऑलरेडी आप माइक्रोसॉफ्ट अपने सिस्टम से अवेयर हो, बट एक न्यू अपने सिस्टम उबंटू जो यूनिक्स बेस्ड है उसका पूरा डायग्राम, उसका लिटिल बिट प्रैक्टिकल और पूरा ओवरव्यू करवाएंगे. उससे पहले ये पूरे पार्ट्स के इनसाइड हम क्या लर्न करने वाले हैं. सबसे फर्स्ट 6.1 टर्मिनल को कैसे स्टार्ट किया जाता है. 6.2 व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेल. सेल के साथ हम प्रोसेस करेंगे, जैसे यहाँ पे हम कमांड के बारे में क्लैरिफाई करेंगे, बट उसकी सिंटेक्स प्रॉपर होनी चाहिए जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है. जनरल पर्पज बेसिक कमांड, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड जनरल जो यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे. कमांड का लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया. कैल है, डेट है, बीसी, इको, पासवर्ड एंड क्लियर. ये बेसिक जनरल कमांड का थियोरी एंड प्रैक्टिकल यूज करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कमांड है, मोस्टली जनरल पर्पज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं. नेक्स्ट 6.5 के इनसाइड सेम कमांड ही है, बट यहाँ पे न्यू कमांड है बीसी, बेसिक कैलकुलेटर, इको कमांड, पासवर्ड एंड क्लियर. मैंने आपको जो जनरल कमांड यहाँ पे नोटिफाई किया है ये इम्पोर्टेंट है. अभी तक हम जो कमांड यूज करते हैं और ये कमांड जो यूज करें यहाँ पे डिफरेंट है. ये कहाँ पे यूज किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, क्या फुल फॉर्म है, पूरा थियरी और प्रैक्टिकल के थ्रू हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन के इनसाइड. ये कंटिन्यू हम पॉइंट चलाते ही रहेंगे. नेक्स्ट 6.6 गेटिंग हेल्प, जिसे बाय मिस्टेक ये कमांड इन फ्यूचर आप भूल गए या माइंड में से लॉस हो गया, तो उसको रिकॉल करने के लिए हमारे पास उबंटू के अंदर यहाँ पे हेल्प के लिए भी कमांड अवेलेबल है. लाइक हेल्प है, मैन फॉर मैनुअल है, व्हाट इज है, ये पर्पस है. नेक्स्ट 6.7 वर्किंग विद डायरेक्टरी. डायरेक्टरी को यहाँ पे फोल्डर बोला जाता है. अगेन मैं इन्फॉर्म कर दूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप क्या बोला जाता हो उसको फोल्डर, बट उबंटू के इनसाइड लिनक्स के इनसाइड उसको डायरेक्टरी बोला जाता है. हम यहाँ पे बेसिक कमांड भी लर्न करने वाले हैं. pwd mkdir series space .. rmdir. नेक्स्ट नेमिंग कन्वर्जेशन लिनक्स, जैसे आपके नेम डिजाइन करने के भी रूल्स हैं, जैसे आपके नाम के अंदर ऑलवेज अल्फाबेट आता है, सेम उबंटू के अंदर भी ऐसे ही कुछ नेमिंग का भी खुद का रूल्स है. और हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे. आप बोलोगे सर व्हाट इज अ फाइल. फाइल हो सकते हैं ऑडियो, वीडियो, मूवी, कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, उसके बारे में क्लैरिफाई करके. बट यहाँ पे ओनली फ्रॉम फाइल डिजाइन करेंगे टेक्स्ट फाइल, जैसे यहाँ पे कैट ग्रेटर देन कैट डबल टाइम ग्रेटर देन आरएम एंड एलएस के बारे में कमांड का थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करेंगे. जो कमांड है उसका कलर कोड मैंने अलग से यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है. इसके बाद फाइल के अंदर व्यू करेंगे और सॉर्टिंग मेथड का भी अप्लाई करेंगे. 6.9 के अंदर पैटर्न मैचिंग, ये वाइल्डकार्ड कैरेक्टर डेंजरस है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और कई टाइम हैकिंग के लिए और कुछ भी डेटा हाइड है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज किया करते हैं. 6.10 के अंदर फाइल और डायरेक्टरी के अंदर कॉपी, मिसिपी, एमवी, एमओआर, सीएमपी, डीआईएफ, ये सब कमांड है और उसका यूज करने हैं उनको इन फ्यूचर. 6.11 जैसे मेरे फाइल एंड फोल्डर मींस डायरेक्टरी डिजाइन हो गई है, बट उसके इनसाइड में उसको ऑपरेशन करना है. कौन सा ऑपरेशन, फाइल कितनी कैटेगरी में है, फाइल का साइज कितना है, फाइल के इनसाइड जो मैंने लाइन लिखी है तो लाइन कौन से है, वर्ड कितने हैं और कैरेक्टर कितने हैं. नहीं समझ में टेक्निकल वर्ड है, डोंट वरी, हम जैसे सेक्शन स्टार्ट करेंगे पार्ट के अंदर हम सब कुछ क्लैरिफिकेशन चलते रहेंगे. इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और लास्ट एंड तक सेक्शन देखना पड़ेगा. जितने भी उसके पार्ट है मैंने सेशन डिजाइन किए वो और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है. नेक्स्ट 6.12 फाइल परमिशन एंड चेंज परमिशन. यहाँ पे फाइल की परमिशन है, जैसे 3 परमिशन है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. जैसे पीडीएफ फाइल है उसको क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर रीड कर सकते हैं, वो भी फाइल है. जैसे ऑडियो फाइल है उसको क्या कर सकते हैं, हम
एडिटिंग कर सकते हैं? नो, आपको अलाउड नहीं है, आप ओनली फॉर उसको लिसनिंग कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए CHMOD का कमांड है। ये सब पॉइंट आप नोट डाउन करते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम उसका फुल फॉर्म, उसका प्रैक्टिकल और उसका थ्योरी क्लैरिफाई करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए 6.13 पाइपिंग फिल्टर कमांड। अभी देखो पाइपिंग मींस व्हाट, जैसे हम वर्टिकल बार होते हैं ना उसको यहाँ पे उबंटू के अंदर पाइप बोला जाता है, कई ऐसे टेक्निकल वर्ड है। ये इंडेक्स में मिनिमम 3 times आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही हम मेन प्रैक्टिकल के ऊपर डाइवर्ट होंगे, तो वो टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट फिल्टरिंग कमांड। फिल्टरिंग कमांड के अंदर हेड, टेल, कट, पेस्ट, सॉर्ट एंड यूनिक UNIQ लिखा हुआ है, वो हम यूज नहीं करेंगे, बट वो कौन से कैटेगरी में आता है, फिल्टर कमांड के अंदर आता है। नेक्स्ट 6.14 है सर्चिंग अ फाइल और डायरेक्टरी। जैसे कोई भी फाइल या कोई भी वर्ड को फाइंड करना है तो हमारे पास कमांड टीआर और ग्रैप है। पर्टिकुलर फाइल को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड वर्ड है, देखेंगे विद थियरी और प्रैक्टिकल और भी हम दैट में क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सस्पेंस दे रहा हूँ, ये सब कुछ हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लर्न करने वाले हैं, बट उससे पहले एटलीस्ट आपको ये सब के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 6.15 रनिंग कमांड ऑफ द सुपर यूजर। सुपर यूजर मींस व्हाट? यस बट ओएस एडमिन। एडमिन का फुल फॉर्म क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास सब कुछ पावर होता है, वो जब चाहे तब यूजर को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ओके अनदर मेंबर को परमिशन अलोकेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे sudo add user, delete user, write password उसको असाइन करना, who and who am I, ये दोनों कमांड है। आपको खुद का यूजर का नेम आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, add group and delete group। आई होप सो ये सब कुछ पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए। 6.51 से लेके 15 तक जितने भी कमांड यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइट किए, वन बाय वन हम सेक्शन के अंदर ये सब का थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करेंगे। इन फ्यूचर ये इंपॉर्टेंट कमांड है और यू नो वेरी वेल, ओके ये सब कमांड का रेफरेंस बुक में भी इन्वॉल्व है। साथ में इन फ्यूचर जब आप कॉलेज में या आप एक्चुअली आईटी कंपनी में जब जॉब करोगे, एंड्रॉयड डेवलपर बनोगे या एप्पल के डेवलपर, कंपल्सरी आपको उबंटू ओएस के इनसाइड ही काम करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट स्मार्टफोन ये एक्चुअली उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? अभी इतनी सारी मार्केट में अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या होता है, वर्जन होता है ना, एग्जाम्पल एक्सपी, विस्टा, 7, 8, 8.1। अभी मार्केट में लेटेस्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट की यस 10 है। ऐसे ही उबंटू के अंदर इतने सारे फ्लेवर है, वर्जन है। आप देख रहे हो, आप वन बाय वन आप देख रहे हो इतने सारे वर्जन में से इसमें हमने क्या सिलेक्ट किया है, फर्स्ट उबंटू के इनसाइड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में लिनक्स, हम दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन करोगे। आई होप सो आप स्टैंडर्ड 9 के अंदर इससे ये वर्ड के बारे में अवेयर हो, और हो सकता है आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज भी किया है, नहीं किया डोंट वरी, हम यहाँ पे उसका थियरी और प्रैक्टिकल दोनों इंट्रोडक्शन में करवाने वाला हूँ। ये उबंटू ओएस और लिनक्स ओएस एक डिफरेंट पॉइंट से ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके एट्रीब्यूट के बारे में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्यों हमको ये पॉइंट लर्न करना है और क्यों इसको हम कमांड फॉर्मेट के अंदर लर्न करना की ट्राई करें। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मोबाइल के अंदर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड फेमस है, इसके बाद एप्पल के अंदर iOS है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, डोस बेस एंड यूनिक्स बेस। इसमें यूनिक्स में से 2 हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी आएगी? उबंटू एंड लिनक्स। क्लियर है इतना पॉइंट्स? आप इससे अवेयर हो। नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं, क्या डिफरेंट है लिनक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज के बारे में तो आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे आप अवेयर हो, आप स्कूल में की लाइफ में देख लीजिए, आपके पर्सनल कंप्यूटर के अंदर मोस्टली इंडिया में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका ऑनर बिल गेट्स, बट उसके अपोज में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों में क्या डिफरेंट है हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसे आपने हो सकता है प्राइमरी सेक्शन के अंदर या हायर सेक्शन के अंदर लिनक्स के वर्ड के बारे में क्लैरिफाई किया होगा, बट उसके सॉफ्टवेयर और उसके जो और भी डेप्थ में पॉइंट है, उसका ओवरव्यू मींस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में मैं भी क्लियर नहीं हूं।
जैसे मैं इसके बारे में अभी कोई भी पॉइंट क्लैरिफाई नहीं करूंगा, ओनली फॉर उसका इंट्रोडक्शन करके इसका बेस क्लियर करके हम किसके ऊपर डाइवर्ट होने वाले हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मींस यूनिक्स अदरवाइज उबंटू बेस पे जाने वाले हैं। आप देख रहे हो इसका लोगो ऐसा है और उबंटू का लोगो यहाँ पे देख रहे हो। जब भी ये मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा ये लोगो का मैक्सिमम मैं यूज करूंगा और आपके माइंड में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई करूंगा कि नेक्स्ट ईयर आपको जितनी भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको काम करना हो तो कौन सी होगी, लिनक्स बेस होगा। यहाँ पे मैं जो भी प्रैक्टिकल करूंगा तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट भी है जैसे मेरे पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 7 भी है और मैंने उबंटू के अंदर प्रैक्टिकल करवाने के लिए स्पेशली आपको इंस्टॉल करके रेडी किया हुआ है, तो आप उसके बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द लिनक्स, क्यों हमने माइक्रोसॉफ्ट में से हम लिनक्स से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट है लिनक्स सिस्टम आर एक्सट्रीमली स्टेबल, मीन्स वो एक स्टेबल है, उसके मेन है उसका फ्री है। आप लोग सर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में, यस माइक्रोसॉफ्ट पेड है, उसका ऑनर है ना, वो एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको की चाहिए, लाइसेंस की चाहिए। वो एक्सपर्ट हो गए तो आप बॉटम साइड देखोगे योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अपडेटेड, ऐसा एरर आती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है और आएगा भी नहीं। नो थ्रेड ऑफ द वायरस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप यूज करते हो उसके अंदर वायरस का आपको प्रॉब्लम नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके लिए आउट ऑफ कंट्री आप देखोगे तो मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ये मैं आपको इसके लिए इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ही अवेयरनेस नहीं है तो उसके कमांड के बारे में कैसे क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट, लिनक्स कम्स विद द मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल, मीन्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट में कभी आपने नॉट पे इंस्टॉल किया, आप लोग नो ऑलरेडी इंस्टॉल ही होता है, यस सेम लिनक्स के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो आप अलग से इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज इसमें व्हाट्सएप होता है आप इंस्टॉल करते हो, बट ओएस आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, बट लिनक्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर रेडीमेड मोस्टली जो रीयूज होने वाला एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होकर आता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, इतना टाइम वेस्ट कम होगा। उबंटू ऑल योर सॉफ्टवेयर विद द मिनिमम फ्यूज, लिनक्स नेवर गेट स्लो। अभी देखो यहाँ पे अपडेटेड इजीली हो सकता है और ये स्लो नहीं होता। अब आप बोलोगे सर कैसे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो नहीं हुए, हाँ बट आप एट द टाइम मल्टीटास्किंग काम करो, जैसे आपने 5-6 सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट कर दिया इंटरनेट का तो हो सकता है, बट मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने में टाइम लेस लगता है। लिनक्स डज नॉट नीड टू डीफ्रैगमेंट, डीफ्रैगमेंट इज व्हाट उसको डेटा कंप्रेस करने की या फ्रैगमेंट और डीफ्रैगमेंट करने के टेक्निकल वर्ड्स है, उसको यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लिनक्स कैन बी इवन रन ओल्डेस्ट हार्डवेयर, जैसे विंडोज विस्टा है 7 है 8 के लिए मिनिमम 4GB रैम चाहिए, हो सकता है 2GB रैम चाहिए, 1TB हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट हो, उसके स्पेसिफिक हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, बट लिनक्स का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पुराने अपने सिस्टम है 1GB की रैम के अंदर भी आप इजीली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर सकते हो, ये उसके एडवांटेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडिंग द मोर सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ द फ्यू क्लिक, आपको भी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए फ्यू क्लिक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा आपको पासवर्ड आईडी ऐसा कुछ भी डालने की रिक्वायरमेंट है, क्यों मैं आपको GUI के थ्रू मीन्स ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगा। मैंने ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लैपटॉप के इनसाइड मैंने इंस्टॉल करके रेडी रखी है, जिससे आपको और भी इसका इंट्रोड्यूस और आप इससे अवेयर हो जाओ। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट विंडोज ओनली एप्स हैव देयर आइदर कौन सा होता है नेटिव वर्जन, मींस ओल्ड वर्जन में वो सपोर्टेड है बट न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम वो सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है लिनक्स के अंदर न्यू वर्जन जो लॉन्च होते हैं उसके अंदर उसके अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल होके आती है, तो आपको री इंस्टॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। विद द लिनक्स यू गेट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉसिबिलिटी कस्टमाइज, कस्टमाइज मीन और आपके फीस के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में ना आप लोगो चेंज कर सकते हो, लोगों को जहाँ भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्ट मेन्यू की प्लेस चेंज कर सकते हो आप, नो अलाउड नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हैं, यही तो बेनिफिट। इसके लिए हम हमारे सिलेबस में और मैं आपको जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो लिनक्स का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करने इन फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। अभी देखो हमने एडवांटेज तो लर्न के लिए, इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म करूं वो फ्री है,
ओके उसका कोई लाइसेंस की नहीं है, उसका कोई ऑनर नहीं है, पोर्टेबल है, आप इजीली एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में मूव कर सकते हो, ओके वो इजीली स्मूथली रन करता है लो हार्डवेयर के अंदर, सिक्योर है क्योंकि आप पासवर्ड वो सब है, आप लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी सिक्योर है बट इससे हाई सिक्योरिटी है, क्यों वो हम जैसे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्लैरिफाई करोगे, क्योंकि इसके अंदर कर्नल है, ओके स्केलेबल है मींस वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें डीबग का टाइम कम होता है, जैसे कोई भी बाय मिस्टेक पावर का फ्लक्चुएशन हुआ या पावर चला गया या उसके इनसाइड प्रॉब्लम हो तो आपके डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी लिनक्स के अंदर लेस है। उसका डिसएडवांटेज क्या है, ओके ये भी इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेज में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि आप अभी तक उससे अवेयर नहीं हो, जैसे एंड्रॉयड है वो 3 की से ऑपरेट होता है और एप्पल 1 की से, क्योंकि अभी तक आप उससे कभी अवेयर हुए ही नहीं है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन फॉर बिगिनर, आप स्टार्टिंग में कन्फ्यूज हो सकते हो, एक बार हैबिचुअल हो जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए तो आपको हैबिचुअल के लिए ये सब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके साथ मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट चेंजिंग द वर्जन, हम यहाँ पे वर्जन चेंज होते हैं तो थोड़ा समथिंग डिफरेंट न्यू इफेक्ट आते हैं, आप 7 देखिए, 8 देखिए और 10 देखिए, ग्राफिकली वाइज लुक वाइज डिफरेंट होता है, सेम यहाँ पे फास्ट अपडेट होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में अपडेट आता है, यहाँ पे हो सकते हैं 2 मंथ 3 मंथ में, हो सकते हैं 1 मंथ में भी अपडेट आ जाए एज पर यू, क्योंकि उसका ऑनर नहीं, उसकी पूरी हिस्ट्री है, ओके बाद में और भी क्लैरिफाई करके, अभी तो मैंने लोगे और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ही मैंने आपको क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट समटाइम ओके कॉम्प्लीमेंटेड भी होता है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे आपको एक गेम प्ले करो उसके साथ एडवर्टाइज फ्री में आती है, ओके तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई होप सो आप इससे लिटिल बिट अवेयर हो गए हो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाई लिनक्स इज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका कोई रीजन तो होगा ना, कोई जेन्युइन रीजन होगा, ओके मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करवा देता हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अवेयर हो, आप लोग इसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लिखा है दिखा देता हूँ आपको, राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टी में देखोगे और उसका लोगो भी मैंने वही रखा है, ठीक है तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, जिसे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी है, माइक्रोसॉफ्ट ही है। देखिए आप थोड़ा से जूम करके अपने हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, विंडोज 7 अल्टीमेट, राइट है ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है। अभी देखिए यहाँ जैसे मैं आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ बट उसके अपोज में देखिए यहाँ पे मैंने Ubuntu इंस्टॉल करके रेडी रखा हुआ है। आप लोग सर Ubuntu अपने सिस्टम में क्या पूरा अपोज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्ट मेनू कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन है, जैसे स्टार्ट मेनू ना यहाँ पे एप्लीकेशन है, वहाँ पे एसेसरी, यहाँ पर भी एसेसरी है। देखिए आप ये टर्मिनल के अंदर हमको काम करना है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे वहाँ पे नॉट पेड है, यहाँ पे जी एडिट है, ओके यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, वहाँ पे कैलसी अलग लुक से ओपन होता है, यहाँ पे कैलसी कुछ अलग लुक से ओपन होता है, तो मैं आपको इसके लिए अवेयर करवा रहा हूँ जिसे आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो चुका है, उसका मैक्सिमम यूज करके देखिए बेसिक हम कैलसी यूज करते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई हो गया है। देखो यहाँ पे क्लोज बटन यहाँ पे अवेलेबल है, मैं जूम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं करूंगा, प्लीज आप हाई क्लैरिटी से वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, ओके क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जी एडिट, इसके बारे में आपने लॉट्स ऑफ टाइम सुना होगा पहले भी और अभी भी, जी एडिट नॉट पैड जैसे है टेक्स्ट एडिटर है, आप यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी पॉइंट्स टाइप कर सकते हो, लाइक नॉट पैड है हम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट और टाइपिंग का एक फीचर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए आपको सेव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एप्लीकेशन में जाइए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पासवर्ड को भी इंक्रीप और डिक्रिप्शन कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, स्टिकी नोट बोल सकते हो हम। इसके बाद टर्मिनल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक कलर की स्क्रीन है। नेक्स्ट हमको यहाँ से सब कुछ रू Ubuntu ये यहाँ पे हमको कुछ भी काम करना है, यहाँ पे आपका खुद का नाम लिखोगे तो वो अलाउड नहीं करेगा, जैसे मैं यहाँ पे ओके मेरा खुद का नाम लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो क्या आएगा एरर, एक बार देख लीजिए आप तो समझ में आने लगेगा क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या रह रहा है ये, मैंने खुद का नाम लिखा है तो कमांड नॉट फाउंड। अभी आपको समझ में लिनक्स के कमांड हमको कहाँ पे टाइप करना है, टर्मिनल के इनसाइड, बट उसकी जगह पे मैं यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ डेट, अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे डेट डिस्प्ले हुआ तो ये आउटपुट आ गया,
और मेरा खुद का नाम लिखता था, आउटपुट नहीं आता। दैट कॉल फॉर टर्मिनल, पूरा ये पार्ट और जितने भी सेक्शन है हमको यहाँ पे कमांड टाइप करना होगा। आई होप सो आप क्लियर हो चुके हो। ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली लेस है, जैसे आप इसे इंट्रोड्यूस करते जाओगे आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट देखिए ग्राफिकल, जैसे यहाँ पे गेमिंग अवेलेबल है, ओके एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये पूरा इंट्रोडक्शन उबंटू का मैं करवा दूंगा। इसके बाद यू नो वेरी वेल सिनफिक स्टूडियो कौन से लेवल का सॉफ्टवेयर है, वेरी गुड 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप उसको यहाँ पे ओरिजिनल उबंटू में ऐसे होता है एप्लीकेशन ग्राफिक, एंड आप देख रहे हो यहाँ पे ओल्ड वर्जन है, जो मैंने पहले आपको सिनफिक के बारे में क्लैरिफाई किया था ये वर्जन आप देख रहे हो। थोड़ा सा ड्रैगन का सिंबल है, थोड़ा सा हैंग भी हो रहा है क्योंकि एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में चला रहा हो। आप देख रहे हो सेम यहाँ पे स्टार बनेगा कलर के हिसाब से, आप देख रहे हो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज का सिंबल, मिनिमाइज का सिंबल, समथिंग डिफरेंट मिलेगा। देख रहे हो आपको सेम आप ऑपरेट कर सकते हो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्लियर है? ओके तो ये हुआ। अब देखो मैं कितना यूजर फ्रेंडली एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो, टूल्स के बारे में आपको मालूम है। ओके देखिए कितने टूल बॉक्स के पार्ट है, यस 3। आई होप सो आपको पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है। अभी देखिए ये क्लोज किया, यहाँ पे मैंने किया था एप्लीकेशन ग्राफिक एंड सिनफिक स्टूडियो जिसके आप ऑलरेडी अवेयर हो। इसके बाद इंटरनेट बाय मिशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, और नया कौन सा वर्जन है प्लीज आप इंटरनेट से फाइंड आउट करें। बट उबंटू के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा वेब ब्राउजर यूज करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स। एक्चुअली वो इसके ही फीचर्स है। अभी देखो सेम माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके। बट उबंटू के इनसाइड एप्लीकेशन ऑफिस के अंदर ओपन ऑफिस, स्प्रेडशीट, वर्कशीट एंड प्रेजेंटेशन होता है, ओके। साउंड के अंदर हमने आगे वाले एक सेक्शन के अंदर लर्न किया था, रिकॉर्डिंग करने का फीचर्स यहाँ पे होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग। आई होप सो आपको क्लियर होगा ये पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे बटन के बारे में भी मैंने क्लैरिफाई किया था, 3 कैटेगरी है यूजलेस नहीं है, तो पार्ट 1 और 2 के इंसर्ट आप सिनफिक का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो मैंने ये सब पॉइंट क्लैरिफाई किया था। और उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर, जैसे एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन स्टोर, एप स्टोर बोला जाता है ना, कि प्ले स्टोर होता है, यस प्ले स्टोर। और एप्लीकेशन स्टोर किस में होता है, एप स्टोर आईफोन के अंदर। सेम यहाँ पे उबंटू के, जैसे मैंने बोला ना रेडीमेड यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आप जितने भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना हो एजुकेशन के रिगार्डिंग, आप देख रहे हो पूरा पॉइंट क्लैरिफाई करो उबंटू के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे कितने सारे सॉफ्टवेयर का डायग्राम दे दिया, जैसे आपको एजुकेशन के पर्पज, ओके कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना उसके एप्लीकेशन का लिस्ट आ जाए, एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी आपको चाहिए यहाँ से इजिली आप इंटरनेट कनेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ आप देखिए, जैसे मैंने ग्राफिकल के अंदर में यहाँ पे एडेड हूँ, जैसे ग्राफिक के अंदर मैंने एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रेडी किया था, कौन सा था, सिनफिक स्टूडियो का, 2D का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, पब्लिशिंग करने के लिए लॉट्स ऑफ ऐसे सॉफ्टवेयर के यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। आपको ओनली फॉर क्या करना है, जैसे ब्लेंडर के बारे में हमने ये 3 का सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्लिक करो, पर ये बटन पे क्लिक करना इंस्टॉल, ऑन द स्पॉट इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, राइट है। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लैरिफाई करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई करने के टाइम ये देखिए साउंड एंड वीडियो के बारे में क्लैरिफाई किया ये पॉइंट्स उबंटू साउंड टेन। देखिए एप्लीकेशन में गए एसेसरी, गेम्स, ग्राफिक, इंटरनेट, ऑफिस, साउंड एंड वीडियो, तो ये हमने एक मेनू लर्न किया जैसे माइक्रोसॉफ्ट में स्टार्ट है। इसके बाद प्लीज आप लोग सर यहाँ तो माई कंप्यूटर तो नहीं होता, यस यहाँ पे माई कंप्यूटर नहीं है, लाइकली होम फोल्डर होता है, डेस्कटॉप जहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियो एंड डाउनलोड, जो भी डाउनलोड करोगे यहाँ पे, लाइकली यहाँ पे कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर अंदर यहाँ पे CDE ड्राइव नहीं होती, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रहे हो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सी ड्राइव से कैसे स्टार्ट हो रही है, तो ई भी कहाँ पे गई, प्लीज ये आपको क्वेरी में रहेगा इन फ्यूचर वाइवा में कहीं टाइम ये पूछे जाते हैं, ए बी ड्राइव एक्चुअली किसके लिए यूज होता है, आप यहाँ पे कमेंट के अंदर भी बोल सकते हो और मुझको इन्फॉर्म कर सकते हो जब भी हम क्लास में प्रेजेंट होगे, या कमेंट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोलोगे सर सी ड्राइव तो है नहीं, यस उबंटू के अंदर ऐसे कोई ड्राइव नहीं होती, ओनली फॉर ये 3 फोल्डर है, जो भी आपको ड्राइव के अंदर यहाँ पे फोल्डर बना के आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ राइट क्लिक करके, ओके जैसे यहाँ पे फोल्डर बनाना अलाउड नहीं है, बैक चले जाइए, यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे
होम के अंदर चले गए। देखो आपको सेम जैसे ही दिख रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, आप होम फोल्डर के अंदर चले जाओगे तो ये ऑप्शंस रूट है, दिख रही है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आउटपुट आई, क्लिक करिए, देखो न्यू फोल्डर ऑप्शन है। मैं मेरे नाम का ही फोटो बना देता हूँ, आप समझ रहे हो ना, सेम माइक्रोसॉफ्ट से और इसे सेम जैसा ही है, ओनली फॉर डिफरेंट लुक है, लोगो सिंबल है। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, वही यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे फ्लॉपी नेटवर्क कनेक्शन के लिए नेटवर्क है, डस्टबिन जिसे वहाँ पे रिसाइकल बिन, वहाँ पे नेम डिफरेंट होता है। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टम के अंदर, यहाँ पे क्लैरिफाई है, जैसे आपको कीबोर्ड माउस के पावर मैनेजमेंट, रिमोट कंट्रोल, स्क्रीन सेवर का ऑप्शन यूज करना है, साउंड अप डाउन करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उबंटू 1 के बारे में आपको क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर मींस व्हाट, जैसे वहाँ पे कंट्रोल पैनल है ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आपको कोई भी लॉक है, यूजर को ऐड करना, डेट एंड टाइम चेंज करना, ये सब फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझको अगेन इन्फॉर्म कर सकते हो। उबंटू के इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्लैरिफाई करवा दे। देखो उबंटू का लॉट्स ऑफ न्यू वर्जन है, अभी 19 चल रहा है, बट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ये वर्जन है। देख रहे, दिख रहे आपको लोगो, यू आर उबंटू 10.0.4 में यूज कर रहा हूँ, और हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। अभी मैं आपको ये पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे रिवर्स है, मैं अभी रूट के अंदर हूँ। यहाँ पे ये इतने सारे स्लिप है, लॉक लगा सकते हो, गेस मोड है, स्विच है, लॉक आउट है, हाइब्रिड है, रिस्टार्ट एंड शट डाउन, जिसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को सुनना हो। साउंड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन चैट का ऑप्शन है, जब आप लाइव होते हैं, डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे विजिबल होता है। स्टार्ट मेनू में वहाँ पे कैसे होता है, उबंटू के अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में कौन सी साइड होता है, राइट एंड साइड बॉटम, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। आई होप आप इससे अवेयर हो और सब सब पॉइंट्स क्लैरिफाई हो रहा है आपको, उसके ऊपर क्लिक करें। अभी मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ, जैसे कोई फोल्डर बनाना हो, फोल्डर बनाने की 2-3 मेथड है ये उबंटू के बारे में। जैसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर बना सकता हूँ, देखिए, और मैं फोल्डर बना रहा हूँ कंप्यूटर, ये फोल्डर बन गया। ओके, राइट क्लिक करके अभी रीनेम भी कर सकता हूँ, देखिए सेम यहाँ पे ओके। इसके इनसाइड भी मैं मल्टीपल फोल्डर बना सकता हूँ, बट ये सब कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डेस्कटॉप पे। सेम दूसरी फोल्डर बनाने की मेथड है, राइट क्लिक करिए, एसेसरी टर्मिनल, जहाँ पे हमको काम करना है। मैं ओनली फॉर इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए डेस्कटॉप है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MKDIR और फोल्डर का नाम रखता हूँ XYZ, एंटर करता हूँ। आप लोग ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, बट मैं आपको प्लेस के अंदर चले जाता हूँ। देखो डेस्कटॉप पे उबंटू के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर चले जाओगे तो XYZ नाम का फोल्डर बन गया होगा, देखो आप, दिख रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपको क्लैरिफाई करना है। यहाँ पे जो भी आप क्लैरिफाई कर रहे हो, 2-3 फोल्डर्स फाइल, यहाँ से भी हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको इसके बारे में क्लैरिफाई कर रहे थे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार शट डाउन करके देख रहे थे, जैसे वो कैसे लुक में शट डाउन होता है। जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग ऑफ करने के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई, मैं शट डाउन करने की ट्राई करता हूँ, देखिएगा, या हम रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, जैसे आप यू आर कैंसिलिंग, ओके, जो भी हम प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं और मिनिमाइज करके नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं। तो आई होप सो आपको पूरा GUI के बारे में, लिनक्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप अवेयर हो। नहीं समझ में, अगेन ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जब हम फेस टू फेस मिलेंगे वापस, अगेन इसके बारे में और भी हम इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।